अयोध्या धाम में ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राम भक्तों की सेवा में 251 किलो का राम प्रसाद लड्डू महाने वैद्य के रूप में अर्पित किया जाएगा। लड्डू को बनाने के लिए स्वीट मार्ट के निदेशक नीलेश निनोरे और उनके 5 कारीगरों ने महानिवेद के लिए 14 घंटे की तैयारियों में भाग लिया। बता दें कि श्री जानकी बल्लभो सरकार धर्मांतर संस्था और स्वर्गीय अरुण भाव जीरापुरे प्रेरणा प्रतिष्ठान की ओर से अकोला के राज राजेश्वर ग्राम दैबत को आमंत्रित कर राजस्थान से 14 नदियों के जल से 251 किलो गाय के घी से स्वीट मार्ट के कारीगरों द्वारा लड्डू बनाकर तैयार किया गया। राम प्रसाद लड्डू दाब की रोड पर विशेष पूजा अर्चना के बाद तैयार किया गया है। अकोला से शाहिद इकबाल की रिपोर्ट। श्री जानकी वल्लभ सरकार धर्मार्थ संस्था रजिस्टर्ड अकोला यांच्या वतीने अयोध्यातील श्री राम मंदिर जन्मभूमी मध्ये श्री रामलला विराजमान यांची प्रतिष्ठापना करण्याच्या संदर्भात आम्ही लोकांनी मानस केला आहे। 251 किलोचा महानैवेद्य लाडू भगवान श्री रामाच्या चरणी त्यांना नैवेद्य लावून मग सर्व जनामनात जनाजनात तो प्रसाद म्हणून वाटायचं ठरवलेलं आहे। 550 वर्षाच्या संघर्षानंतर श्री रामललाचा अयोध्या धाम इथे प्राणप्रतिष्ठेचा कार्यक्रम होत आहे। या निमित्ताने श्री जानकी वल्लभो सरकार धर्मार्थ संस्था आणि स्वर्गीय अरुणभाऊ जीरापुरे प्रेरणा प्रतिष्ठानाच्या वतीने अकोला शहरातील भक्तांच्या कल्याणासाठी ग्रामदैवत राज राजेश्वराच्या चरणी प्रार्थना करून 251 किलोचा मोठ्या राम मंदिर संत गजानन महाराज द्वारा स्थापित त्यांच्या पावनस्पर्शाने या भूमीमध्ये मोठ्या राम मंदिर परिसरात प्रसाद वितरण 12:20 होणार आहे। तसेच यावेळी श्री जानकी वल्लभो धर्मार्थ संस्था आणि स्वर्गीय अरुणभाऊ जीरापुरे प्रेरणा प्रतिष्ठानाच्या वतीने महाआरती होणार आहे। महाआरतीनंतर हा प्रसाद वितरित होणार आहे।